हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, तो बस मैंने अपना ब्लॉग शाम से ही स्टार्ट करा है। और मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मैंने हस्बैंड से मंगाई थी, क्योंकि सब्जियाँ हो गई थी सारी ख़त्म, तो बस ये हस्बैंड लेके आए हैं सब्जियाँ। पूरी एक हफ्ते की सब्जियाँ लेके आते हैं इकट्ठी, तो बहुत सारी सब्जी लेके आए हैं, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ और चेक कर रही हूँ क्या क्या सब्जी लेके आए हैं। तो ये समझ लीजिए काफ़ी सब्जियां लेके आए हैं, बहुत सारी अदरक वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। तो सारी सब्जियां मैं निकाल लेती हूँ, और ये सब्जियां वही हैं जो मुझे जो मेरे हस्बैंड को पसंद है, बस वही सब्जियां वो लेके आए हैं। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड से मंगाती हूँ, ताकि उनको जो पसंद हो वही सब्जी लेके आए वो। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ उन्हीं के फेवरेट हैं, पसंद की, तो बस सारी सब्जियाँ मैं निकाल लेती हूँ और लगा देती हूँ इनकी जगह पर। और यहाँ पे देख सकते हैं सेमरगुल्ले हैं, सिमरुआ इसको बोलते हैं, पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो ये फूल समेत हैं, फूल वाले। तो यहाँ पे ये भी मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे, तो बस मैं इसको निकाल के यही बनाऊंगी। ये देखिए, आधे मैं बना लूँगी और आधे की माला बनाकर मैं इसको धूप में सुखा लूँगी, जब चाहें तब इसको बना सकते हैं। तो ये मैं सेमरगुल्ले लाल वाले आलू के साथ बना रही हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद तेल में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके ही ये सेमरगुल्ले बनाए जाते हैं। मैं सेमरगुल्ले बोल रही हूँ, पता नहीं आपके भाषा में क्या बोलते हैं। तो सिमरुआ भी बोलते हैं इसको, सेमरगुल्ले भी बोलते हैं, और सेमर की सब्जी भी बोल सकते हैं कुछ भी। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और उसके बाद नमक डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी मैं थोड़ी देर। वो भूनना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं। मतलब हमारे कहीं भी हमारे शरीर में दर्द होता है हड्डियों में, तो ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। कमर का दर्द है, कमर के दर्द के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस जब भी कोई, ज़्यादातर इसको खाना चाहिए, इसको खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे कोई भी दर्द वगैरह हो सब ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको भून के निकाल लिया है, और थोड़ा सा ऑयल और डाला था उसमें कढ़ाई में, तो बस उसमें डाल दिया हींग, जीरा, और आप चाहें इसमें मसाले पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे सौंफ, धनिया वगैरह जो भी, जीरा वगैरह सब पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खाली प्याज, लहसुन, हरी मिर्च इसको पीस के और डाल दिया है, और भून लिया उसको हल्का सा। और जो डेली यूज़ के मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ये सब कुछ डाल दिया है। और मैं बच्चों के मारे ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रही हूँ, वैसे तो मेरे बच्चे सिमरगुल्ले खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी खिलाना तो होता ही है थोड़ा बहुत, मना बहला बहला के। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा कम ही मिर्च डालूँगी, ताकि वो लोग खा लें। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद जो भुने हुए सेमर और आलू डाल दिए हैं, इसको थोड़ी देर अच्छे से भून के फिर इसमें मैं पानी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5-10 मिनट अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसको पानी दे दिया है, और बस इसको अब ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक करती हूँ, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। और मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, और बस हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। और थोड़ी सी बॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, तो बॉइस आ सकती है क्योंकि मैं छत पे एडिटिंग कर रही हूँ। तो सब्जी हमारी बनके रेडी है, आप भी ट्राई करिए इस तरह से, और बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्जी होती है। तो बस किसी से भी खाइए, रोटी से, पराठे से, किसी से भी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है, और मैं छत पर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मैंने सुबह को गेहूँ धुल के डाले थे, और गेहूँ मैंने सारे डाल दिए थे धुल धुल के, लेकिन इनको फैलाया नहीं था। मैंने सोचा चलो इसका पानी जब सारा निचुड़ जाएगा अच्छे से, तभी मैं इसको फैलाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सब पानी निचुड़ चुका है, बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं, और मैं इसको पतला पतला फैला देती हूँ, ताकि अच्छे से बीच वाले जो बीच में गेहूँ हैं वो अच्छे से उसमें धूप लग जाए। तो 1-2 दिन में ये गेहूँ सूख जाएंगे, बिल्कुल पिसने लायक हो जाएंगे। तो
इसको हम पिसवा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ घर के ही गेहूँ यूज़ होते हैं, घर के गेहूँ हैं तो बस वही पिसता है, उसी का आटा बनता है और वही खाया जाता है हमारे यहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का जो भी मेरा काम वगैरह था वो मैंने सारा कर लिया है, तो करने के बाद ही मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। और आज मैंने गेहूँ वगैरह धुल के डाले थे, तो बस वही मैं ऊपर छत पर चलाने आई थी गेहूँ, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ भी चला देती हूँ और आप लोग से बात भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धूप में भी बैठ गई हूँ, क्योंकि अच्छी धूप है, धूप में अच्छा लग रहा है। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी और बच्चे गए हैं स्कूल, तो अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं क्योंकि अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई है, 2:30 बजे होगी छुट्टी, तो बच्चे नहीं आए हैं अभी स्कूल से। और बाबू मेरा सो गया, उसको मैं सुला के आई हूँ, नीचे सो रहा है अब, क्योंकि उसको नहला दिया था तो बस उसको दूध वगैरह दे दिया और सो गया है आराम से। और सोने देती हूँ, वरना हमेशा क्या होता है ना, शाम को सोता है और शाम को सोता है तो सुबह मतलब रात में बहुत लेट सोता है, 12, 12:30, 1 बजे ऐसे सोता है, तो इसलिए मैंने उसको दूध दे दिया और नींद आ गई, उसको सुला दिया। अब वो शाम को जल्दी सोएगा नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और गेहूँ धुल के डाले थे इसलिए क्योंकि आटा यही पिसाएंगे, हमारे यहाँ गेहूँ का आटा पिसाते हैं घर में ही, तो बस गेहूँ सूख जाएंगे तब ये पिसा लेंगे और चावल भी पिसाने हैं, क्योंकि चावल के आटे के लिए चावल भी पिसाना है। और बस मैंने ब्लॉग तो अपना रात से ही स्टार्ट कर दिया था, कल रात से नहीं सॉरी शाम से स्टार्ट कर दिया था कल, तो बस उसका एंड नहीं किया है, वो एंड मैं आज करूँगी ब्लॉग का। और बस खाना भी दोपहर का खा लिया है मैंने, क्योंकि दोपहर का खाना बना लिया था तो बस वो भी खा लिया है। और बस कुछ नहीं, जो भी था दिन भर का बता दिया आपको। और बस अब मैं शाम को मिलती हूँ आपसे, ब्लॉग शाम को एंड करूँगी अपना, शाम को मिलूँगी आपसे, अभी तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इवनिंग का समय हो रहा है, तो मैंने छत से मैं देख रही थी तो मैंने देखा, मैं आपको जूम करके दिखाया था, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये खेत में जो किसान लोग होते हैं कितना मतलब मेहनत करते हैं, इतना पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इन लोग को। सुबह ही 4 बजे आ जाते हैं और इतना कोहरे में इतने ठंड में ऐसे ही सब्जियां काटते हैं, घास लेके जाते हैं, घास नराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सब। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? और अभी शाम का समय हो रहा है तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, चाय पी लीजिए आप लोग भी आकर। और अभी गेहूँ भी पड़े हैं देख सकते हैं, अभी गेहूँ उठाने हैं मुझे, और छत पर ही आके मैं पीने लगी थी चाय। और शाम को डिनर में मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हो सकता है शायद हस्बैंड जा रहे हैं, शायद शादी में कह रहे थे, शायद जाएंगे शादी में, और हो सकता है मैं भी जाऊं, अगर नहीं भी जाऊंगी तो मेरा है खाना रखा, तो बस वही खा लूँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो बस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ फुल वॉच करिए ऐसी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाय पी लीजिए आप लोग भी।